ये कहानी है दो पक्के दोस्तों की। ये है वासु, उम्र 10 साल। छोटा सा ये गांव इस लड़के के लिए नया है। इसे ऐसी बारिश में इतनी मुश्किलों का सामना करके नए स्कूल जाना पड़ रहा है। और ये है अभी, अमीर घर का ये प्यारा सा लड़का, बड़े दिल वाला है। ये कौशिकी सा है। हाय हाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ बैठ जाओ। वासु चुप रहो। ये है स्कूल का डॉन सत्या, जिससे सारा स्कूल डरता है। हाय बेटा। हाय वासु। हाय अभी। हेलो हेलो, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। ओके बाय बेटा, अंकल को बाय कहो। बाय अंकल। ओके बाय बाय। अखिला। प्रेजेंट मैडम। वासु। वासु। प्रेजेंट मैडम। अभी। एब्सेंट मैडम। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? क्योंकि आज अभी स्कूल नहीं आया। दोस्ती के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। बहुत खूबसूरत होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक ना हो। हेलो सर, आज इसका दोस्त अभी स्कूल नहीं आया तो देखिए कितना उदास हो गया ये। क्या बात है सर? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन किसी चीज की कमी है तो वो है माँ की। जब भी अभी को अपनी माँ की याद आती है तो यहीं आकर रोने लगता है। आज ही के दिन अभी ने अपनी माँ को खोया था। अभी यहीं से शुरू हुआ दोस्ती का ऐसा रिश्ता जो एक मिसाल बना। हे, मेरे रसगुल्ले, क्या हो गया तुझे? तू है मिस्टर रोकर और मैं हूँ मिस्टर जोकर। मैंने स्कूल में सबका टिफिन खा लिया, देख मुझे अब क्या हो गया। आज वाघमारे सर ने क्या किया? मेरे होते हुए तो उदास नहीं हो सकता अभी। आ, खा लो। अच्छा है ना? ओ, क्या हो गया? जल्दी चलना वासु, जल्दी। हाँ हाँ, चल रहा हूँ ना। सबको तनख्वाह मिल गई है ना? हाँ जी सर। अरे कहाँ जा रहे हो? गाड़ी यहाँ खड़ी है। बाय डैडी। अच्छा ठीक है। आज फर्स्ट टाइम हम साइकिल पे स्कूल के लिए निकले हैं। तो आ रहे हैं ना? और नहीं तो क्या? ए बॉल पे, जल्दी जल्दी। अभी जल्दी कर। लाना, क्या कर रहा है? चल रहे? ऐसे क्या देख रहा है? वासु पे हाथ उठाया। हाँ मेरी मर्जी, क्या करेगा तू? नहीं नहीं, झगड़ा तो मेरे बेटे का और वासु का हुआ था ना, तो इस लड़के को क्या तकलीफ है? लेकिन आपको क्या तकलीफ है? क्योंकि ये मेरा बेटा है और ये मेरा दोस्त है। आ,
अब तू उनके पास क्यों जा रहा है? फ्रेंड बनोगे? चल ठीक है। कल रात से इसने ना तो मुझे सोने दिया और ना खुद सो पाया। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही सवाल पूछता रहा कि अभी कहाँ जा रहा है और वापस कब आएगा। इतनी बड़ी स्कूल में एडमिशन मिलना कोई मामूली बात नहीं है सर। एक साल से कोशिश कर रहा था, इस बार लकीली एडमिशन मिल गया। अबे हाँ? अब मन लगा कर पढ़ना। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ अंकल। हम चले बेटा। अभी ये हमारी दोस्ती की निशानी। वासु बाय बेटा। ठीक है, हम चले सर। ओके, आई मिस यू अभी। बाय बेटा। बाय अभी। आओ बेटा चलते हैं। अब आओ अभी। अच्छी पढ़ाई और अच्छी परवरिश के लिए अभी को उसके पिता ने एक बड़ी सी स्कूल में एडमिशन दिलवा दी। ये दोनों दोस्त एक दूसरे से जुदा होने के गम में थे और तभी अचानक। तूने मेरी ऑटो को पहले ठोका। नहीं, ये क्या बीच सड़क पर लगा रखा है इन लोगों ने? मैं कॉल करेगा। आओ जरा देखते हैं। नहीं छोडूंगा। ओहो, दादागिरी करता है मेरे साथ। तो समझता क्या आप? नहीं छोडूंगा तुझे। हेलो, तेरी गाड़ी। हेलो, अरे क्यों लड़ रहे हो? ट्रैफिक जाम हो गया। चलो जाओ बैठो। जाता हूं साहब। और तुम भी जाओ। माशा कर रखा। और तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? चलो चलो अपने काम पे चलो। वासु, मैं जानता था तुम वापस जरूर आओगे। अभी इन दोनों की दोस्ती के बीच बस कोई दरार ना आए। क्या सर, आप अभी को इतनी बड़ी स्कूल से निकाल कर यहीं ले आए? स्कूल कोई भी हो, मैं चाहता हूं कि वो हमेशा खुश रहे। मैं उसकी माँ को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं जो अपने बच्चे को उसके दोस्तों से अलग करूं। जवानी के दिनों में प्यार की अहमियत होती है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो जिंदगी अहम हो जाती है। सच्ची दोस्ती ही एक ऐसी चीज है जिसकी अहमियत कम नहीं, हमेशा बढ़ती जाती है। हेलो, ओए तू कब आया? पहले तू बता तू कब मिल रहा है? सिक्स फिक्स। और वो बेवड़ा किधर है? अरे उसको तो मैं ले आऊंगा। ठीक है, चल चल फिर। बाय बाय। हाँ कौशिक। ओ सत्या कहाँ है? मैं निकल चुका हूँ, बोल किधर मिलना है। सुभाष नगर का मोर सुपरमार्केट नहीं है? अरे सुपरमार्केट कब चालू हुआ? भूतनी के भूल गया क्या? मेडिकल शॉप के पास वाला। अरे कौन सा मेडिकल? अरे उसके बगल में एक बार भी था, क्या नाम है? हाँ, वंदना बार एंड रेस्टोरेंट। ऐसा बोल की देखा, कैसे याद आया शराबी को? उधर पहुँच के फोन कर, बार के सामने कॉफी शॉप है, वही मिलियो। थोड़ा डोका लगा की शाम को 6 बजे के बाद कोई दोस्त कॉफी शॉप में मिलते है क्या? चल बार ही आ जा। दो पटियाला सोडा मार के आइस डाल दियो। हाँ, आइस का टुकड़ा। तू लगा रे पल्पी ऑरेंज। पल्पी ऑरेंज पिएगा? अरे फापड़िया, तेरे लिए एक ग्लास मलाई मार के दूध लाऊं क्या? भाई पल्पी देने। बावले, कब बड़ा होएगा तू? वो सब छोड़, कार्ड शार्ड बांट दिए सबको? हाँ भैया, फ्रेंड्स फैमिली कलीग्स कजिन्स आजू बाजू वाले सबको दे दिया। इसका बस चले तो आखा मुंबई को आमंत्रण दे देगा। यार सुन, हमारा इनविटेशन कहाँ पे है? अरे पर बाहर में पत्रिका दूंगा तो वो अपवित्र हो जाएगी, है ना? देवा, शादी के बाद तो तेरे को बाहर में आना पड़ेगा। ये देखो उदाहरण बैठा है। अबे तेरी शादी नहीं हुई तो मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है? चुप कर। तू कब लगन करेगा भाई? देखिए शादीशुदा आदमी जो होता है ना, वो पोल्ट्री फार्म के कोमड़ी के जैसा होता है। कितना भी फड़फड़ा लो, एक दिन तंदूरी बनना ही है। आई हेट लगना। भाई मेरी शादी में सब लोगों को आना है, वो दूध वाला भैया भी आ रहा है। यार हम लोग तो आएंगे, लेकिन वासु और अभी का कुछ पता नहीं है, मुझे नहीं लगता वो आएंगे। दोनों जिगरी यार थे, सोचा नहीं था वो अलग हो जाएंगे। तो वासु के टच में है? बस यार फोन पे बात बात होती है, 2 साल से मिले नहीं है। और अभी? वो तो उसका भी बाप निकला, 4 बरस हो गए। हमें ये तो पता है वासु कहाँ है, क्या करता है, मगर अभी कहाँ है किस हाल में, दिया वाला ठाउक। हमें उसे ढूंढना ही होगा। अरे कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो किधर है। किधर मतलब क्या? इसी पृथ्वी पर होगा।
How's the coffee? Abhi, this is Rishika. Hi. This is Abhi. He owns this coffee shop. Okay. Next weekend is okay. अरे मेरे पास है ना, ये लो, तो हम चलें? अच्छा था ना? It was really nice. उस पार्टी में मजा आया. माँ कब चली? चलो यार, let's go. मैं बोर हो गया हूँ. Okay, चलो. It's getting late. मुझे चलना चाहिए. Bye bye. I'll call you. Hi, what's up? बस सोने ही वाला था. Can we meet? लेक के पास? Hey, अभी. अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त, रिलैक्स करने के लिए बियर. तुम्हें तो कोई फैमिली टेंशन्स भी नहीं है. इतनी रात को नींद ना आने का मतलब प्यार हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है अभी. मैंने तो कैजुअली मैसेज कर दिया. रात को 12 बजे कौन कैजुअल मैसेज करता है श्रेया? आखिर बात क्या है? हमें मिले 2 साल हो गए, या शायद ज्यादा. एंड आई थिंक यू आर परफेक्ट. बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला लिया है. पता नहीं सही है या नहीं. अभी आई एम इन लव विद यू. जब एक लड़की किसी लड़के से आई लव यू कहती है तो उसके लिए खुशी की बात होती है. बट आई एम सॉरी श्रेया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है. आई डोंट मीन टू हर्ट यू, बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट. अब शायद कुछ दिन और साथ ट्रैवल करेंगे तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए. एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए साथ ट्रैवल करना जरूरी नहीं है. वो तो बैकपैक करने से पहले पता चल जाता है. मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए या फिर अपने आप को ग्रेट साबित करने के लिए नहीं कह रहा, पर मैं ऐसी चीज में तुम्हारा टाइम क्यों वेस्ट करूं जो कभी होगी ही नहीं. क्या ये सच है? जनरली ये लड़कियों का डायलॉग है, पर तुम्हारी वजह से मैं कह पा रहा हूं. लेट्स बी गुड फ्रेंड्स. तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं या फिर प्यार पर भरोसा ही नहीं है? आई मीन कॉलेज में कोई तो. कल सुबह मिलते हैं. पंड्या, दरवाजा बंद कर. वेलकम टू फाइट क्लास. आज हमारे उस्ताद, उस्तादा भी और उस्ताद वासु आपको बताएंगे कि फाइटिंग क्या है. तो ये देखो, इन चेक एंट्री हो चुकी है आपने उस्तादा भी और उस्ताद वासु की. उस्ताद अभी रघु के डोले में डोला डालते हुए और ये रघु आगे बढ़ा और ये अभी मुंह का काड़ी फेंक के बॉल को मारा और ये रघु के सर पे लगा और इसी के साथ फाइट क्लास शुरू. अरे वाह, लय भारी स्टाइल है बाबा उस्ताद अभी का. तो इस तरह उस्ताद अभी अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हुए धुलाई कर रहा है. और ये देखो, अरे 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 छोड़, अरे मेरे को कई को, अरे हो गया ना एक बार, छोड़ना. अरे अभी, अरे किधर है तू, बचा. अभी एक भी बार कमेंट्री नहीं करेगा. आई आई आई. Ah!
headshot. अरे भेड़िया हाँ तेरे को रुकने को बोला था ना, भेड़ने की कोई जरूरत नहीं थी हुँ? तेरे दोस्त को क्यों नहीं पूछता? सारी गलती उसी की थी। मेरा दोस्त कभी गलती नहीं कर सकता। अब तुम दोबारा ऐसी गलती मत करना। मोंटू, चिंटू, वासु, मधुलता, इसीलिए कहता था इतनी पढ़ाई मत कर वरना हमारे साथ ऐश करता। अरे बगल के सीट में कौन है जानता है क्या? मधुलता 23F। ओ लड़की। अरे तेरे को तो कोई आंटी पीछे नहीं। सो फर्क पड़े छे, वासु के लिए ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हाँ। गाड़ी छोड़ चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। तू अपना ख्याल रख। चलो भाई लोग निकलता हूँ। संभाल के जा। बाय बाय। फोन कर भाई। अब जी। हाँ, व्हाट्सएप करते रहना। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वासु को 2 महीनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। कहाँ है फाफड़े? वो अपने केमिस्ट्री के प्रोफेसर है ना, उसकी वाइफ के मेहंदी फंक्शन में हूँ। थू? अरे अगर नहीं आता तो वो मेहंदी नहीं लगाती। अबे थेपले, तेरे गोद भराई में जाने या ना जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चल फोन रख। लेक्चरर का चमचा। यार सत्या कहाँ है तू? जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो साहुआ पैग मार के तृप्त है, इसलिए प्लीज कॉल अगेन टुमारो। आप जिस व्यक्ति को संपर्क कर रहे हो वो साहुआ पैग मार चुका है, कृपया कल सुबह ट्राई कीजिए। अरे जानो, तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे छोड़ना, तू डांस कर, चल उठा लो। आजा। Actually, तुम एक सेकंड रुको। हे सॉरी, सडन ब्रेक लग गया। ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। He's so cute. ड्राइवर रख लो। ये मैंने क्या कर दिया? हे सुनो, I'm sorry. मैंने तुम्हें सच में नहीं देखा। गाड़ी चलाना आता नहीं, ऊपर से दिखता भी नहीं। मेरा क्या है, मैं तो इंसान हूँ, जीऊँ या मरूँ क्या फर्क पड़ता है। Hey, तुम्हें तो चोट लगी है। छोटा सा घाव है, ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कम। लेकिन एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से अपने अय्याश पति को मार डाला। जी 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 जी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब हैं? अंदर। हेलो डॉक्टर। आइए आइए, क्या हुआ? बाइक से गिर गया डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। क्या नो प्रॉब्लम? नर्स, उसको बुखार आया है और बाजू वाले हॉस्पिटल में गई है। वन मिनट। देखो
मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं। आज तक किसी को आई लव यू भी नहीं बोला, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हें चलना पड़ेगा। ये क्या कर रही हो तुम? हेलो, एक मिनट, कुछ हो गया तो? डोंट वरी, आई एम अ हाउस सर्जन। ओह, मुझे छोड़कर कुत्ते के पास गई तो सोचा तुम जानवरों की डॉक्टर हो, इंसानों की हो। टिंचर, कॉटन, बैंडेज। अरे ऊपर रखे ले लो ना। सिज़र, मोनोसेफ। इसने लाइफ में पहली बार नाम सुने ले। मैं अक्सर पिछवाड़े पे इंजेक्शन देता हूँ जिससे सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये लो। नो प्रॉब्लम, इंजेक्शन कल ले सकते हो। थैंक्स डॉक्टर। फीस? नो 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 प्लीज, आई नो, सब मेरी वजह से हुआ है। डॉक्टर प्लीज आप। अरे किस बात की फीस दे रहे लो साहब, इसने ऐसा क्या काम किया है? डॉक्टर साहब बिना काम के एक रुपया नहीं लेते हैं। इनका रेपुटेशन इतु साहब भी खराब नहीं है। मैम साहब आप जाइए, और साहब आप भी जाइए प्लीज। आपने एकदम सही बोला ना सर। असली जानवरों का डॉक्टर तो वो है। सॉरी, इट्स ओके। अपना ख्याल रखना। तुम भी। बाय। एक्सक्यूज मी, घर जाने के बाद मुझे तुम्हारी याद आएगी, फिर सोचूंगा काश पहले पूछ लिया होता। क्या तुम अपना नाम बताओगी? माया। अभी। गुड नाइट। गुड नाइट। नाम के साथ साथ उसकी कुंडली भी पूछ लेता तो लगे हाथ साथ फेरे भी लगवा देते। डेट पे बुला लेना चाहिए था। आई एम सो एंड सो, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू, और सीधा कॉफी पे बुला लेता। अभी हो गई ना फुर। वैसे एक बात तो क्लियर है, हम सब अपने शहर में दिन रात मटर गश्ती करते रहते हैं, लेकिन हम में से किसी ने उसे कभी नहीं देखा। मतलब वो मतलब तेरे को वायरल फीवर देने वाली लड़की शहर में नहीं रहती है। क्या बोल रहा है साहब? ये सही बोल रहा है। उस लड़की की वजह से तेरा एक्सीडेंट हुआ है। कोई अवार्ड नहीं मिला कि खुश हो रहा है? 3 दिन से उसके बारे में बड़बड़ कर रहा है। पक्का कोई गड़बड़ है। ठीक है, आज के बाद उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ओके आइला। अरे ये तो सेम टू सेम मेरी वाली फीलिंग है। हर दिन सुबह उठकर मैं बोलता हूँ कि आज से दारू नहीं पीना, लेकिन शाम को 6 बजने के बाद ऐसी घंटी बजती है कि खंबा कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता। इसका भी यही हाल है। हाय। हाय। ये हाय मेरे लिए। ये छोकरी वही है ना? अभी तो बोला उसके साथ बात नहीं करूंगा। फिर अरे अपना फाफड़ा, गिटार बजाने दे। बजा ले। अब कैसे हो? बहुत खुश हूँ। 3 दिनों से सोया नहीं हूँ, दिल में एक ही ख्याल है। क्या मतलब? मेरा मतलब कि ये दर्द कब कम होगा। आज सुबह से काफी अच्छा लग रहा है। ओके, मुझे नहीं लगा था हम दोबारा मिलेंगे, मगर मुझे अच्छा लगा कि हम दोनों मिले। मेरा मतलब एक डॉक्टर को हमेशा पेशेंट के बारे में जानना चाहिए। समझी। आइसक्रीम? शो। और खाओ ना। वाह वाह वाह। जैसे तुम ये आइसक्रीम पिघला पिघला के मुझे खिला रही हो, मैं भी पिघल चुका हूँ। I love you प्रिया। I love you too darling। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। भाई
कैसे किया? हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, टैलेंट भी होना चाहिए। अबे तेरी तो लड़की पट्टी नहीं तो जल गई क्या? आपके लिए क्या लाऊं सर? मेरे लिए बेल्जियम डार्क चॉकलेट, ओके। ऊपर से थोड़ा नट्स और चॉकलेट डाल देना। ठीक है सर। और तुम? कुछ भी चलेगा। तुम्हारी पसंद मुझे क्या पता? ठीक है, बटरस्कॉच। जी मैम। तो कहाँ रहती हो? यहीं पे, गर्ल्स हॉस्टल। बस एक ही हफ्ता हुआ मुझे यहाँ के। अच्छा हॉस्टल है। और तुम? यहीं रहता हूँ, इंजीनियरिंग के फाइनल एग्जाम्स दिए, रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, इंजीनियरिंग में दिलचस्पी भी है क्या? ऐसा क्यों लगा? तुम्हारी दाढ़ी और बालों को देखकर लगा मुझे। तुम पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने वाले, अच्छे मार्क्स से पास होकर अच्छी नौकरी करने वाले टाइप के नहीं लगते। तुम कुछ और करना चाहते हो, मगर तुम गिटार बजा ले तो ये एक्सपेक्ट नहीं था। तुम्हें म्यूजिक बहुत पसंद है? मैंने जो बजाया वो पसंद नहीं? नहीं नहीं, इट वाज नाइस। मुझे म्यूजिक पसंद है, ये नहीं कहूंगा कि म्यूजिक मेरा फ्यूचर, मेरी जिंदगी, मेरा पैशन है, पर जो भी हो, फ्यूचर में म्यूजिक जरूर होगा। इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। और माया को? माया? हाँ, हमारी उम्र इतनी नहीं है कि एक दूसरे को आप कहें, बिना फॉर्मेलिटीज के बात करेंगे तो अच्छा होगा। सो आज से तुम मेरे लिए डॉक्टर नहीं, माया हो। बहुत प्यारा नाम है। माया, तुम्हें म्यूजिक पसंद है? आपका ऑर्डर सर। एक्सक्यूज मी, बटरस्कॉच मंगाया था, ये स्ट्रॉबेरी है। सॉरी मैम, गलती हो गई। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक मिनट रुको। हाँ सर। एक सेकंड, इसे लेकर जाओ और मैम ने जो कहा वो लेके आओ। इस बार समझ गया ना? समझ गया सर। प्रॉब्लम क्यों नहीं है? वो मंदिर में प्रसाद बांट रहा है, जो भी देगा ले लोगी। पसंद नहीं है तो एडजस्ट क्यों करना? आई एम सॉरी, ऐसा मुझे लगता है। इट्स ओके, जब एडजस्ट करने की आदत पड़ जाती है तो हम अपनी पसंद के बारे में नहीं सोचते। लेकिन बचपन से ही मुझे म्यूजिक में दिलचस्पी है। म्यूजिक के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। विदाउट म्यूजिक मेरी जिंदगी अधूरी है। बहुत से लोग इस दुनिया में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मगर हर किसी की तकदीर एक जैसी थोड़ी ना होती है। मैम ये रहा बटरस्कॉच। तुमने इंजेक्शन लिया? हॉस्पिटल आ जाना एनी टाइम जब तुम कल फ्री रहोगे, ओके? हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। बेटा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या हुआ इसे? चाय लेकर जाते वक्त पैर फिसल कर मैं गिर गया था दीदी, और सारे ग्लास टूट गए। मालिक को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उबलता हुआ पानी मेरे पैरों पर डाल दिया दीदी। आह, दर्द हो रहा है दीदी। मैंने माँ को कहा कि नारियल का तेल लगा लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना माँ? दीदी जल्दी करो, आधे घंटे में दुकान पर नहीं गया तो मालिक मुझे मार देगा। दो दिन तक तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। तो मेरी नौकरी का क्या होगा? माँ मालिक का फोन है, मुझे डर लग रहा है, आप बात कर लो ना माँ, प्लीज माँ। हेलो भैया, फोन खराब है, स्पीकर ऑन करना पड़ेगा। अरे कहाँ मर गया तू? हेलो, कौन है? तुम्हारे बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। दोनों क्या करते हैं? बड़ा पांचवी और छोटा तीसरी में। एक की पढ़ाई बंद करवा दो और उसे होटल में काम पर रखो। अगर कल से आपका बेटा स्कूल जाएगा तो आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा भैया, प्लीज। मालिक तो हफ्ते में एक दिन मारता है, मगर स्कूल में तो रोज मार पड़ती है ना भैया? ऐसा मम्मी कहती है। मैंने इससे ये सब इसलिए कहा था क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। टीचर से कहूंगा इसे मारना मत, फिर तो पढ़ेगा ना? पढ़ूंगा। बिना मार खाए पढ़ूंगा। वो अगले हफ्ते ज्वाइन करेगा, कोई फॉर्मेलिटीज हो तो पूरी कर दीजिएगा। थैंक यू। हे, तुम यहाँ हो? ये उषा, माय फ्रेंड, और ये अभी। हाय। वही रॉकस्टार ना,
गेटअप देखकर ही सेट हो गई थी क्या? माया कल संडे है ना, तुम्हारा कोई प्लान? ओ, कल संडे है? देखा बॉस, इसकी दुनिया हम सबसे अलग है। कोई पार्टी होगी तो बताना, मुझे पार्टीज में एंजॉय करना बहुत पसंद है। मुझे पार्टीज इतनी पसंद नहीं। अच्छा, तो तुम्हें क्या क्या पसंद है रॉकस्टार? आई हैव अ म्यूजिक बैंड, हम साथ में चिल करते हैं। बैंड बजाते हो? मुझे लगा सिर्फ तुम दोनों ही गाते बजाते हो। कहाँ हो? हाँ आई। ओके देन, बाय। माया अगर कल फ्री हो तो आकर बैंड देख लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो ये है मेरे दोस्त, ये सिरी, जॉन, शशांक और सवन। हाय। ये माया है, कहा था ना एक लड़की ने गाड़ी से उड़ाया था, यही है। ऐसे कोई दोस्तों से मिलवाता है क्या? अच्छा बताओ, तुम्हें सिर्फ म्यूजिक सुनना पसंद है या? हाँ, गाना भी पसंद है। मैंने गीता सुब्रमण्यम जी के यहाँ गाने की ट्रेनिंग ली थी। मैं सिर्फ ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो पार्टीज में जाती है। लाइफ में पहली बार तुम जैसी लड़की से मिल रहा हूँ। यू वांट टू सिंग? फिर किसी दिन ट्राई करें। मैं चलती हूँ, मेरा टाइम हो गया। बहुत ही खूबसूरत जगह है। थैंक्स, जब भी मन करे आ जाना। बाय बाय। मुझे वो जगह इतनी अच्छी लगी, मन किया वहीं रुक जाऊं। आज के बाद जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा या मेरा मन करेगा, मैं वहां जरूर जाऊंगी। हेलो। हाँ डैडी। बोल भाई। मैं फोन करने ही वाला था, सोचा तू कहीं बिजी होगा। अबे मैं बिजी था इसलिए फोन नहीं किया, या खुद ही कहीं बिजी था? ए चल, लड़की का नाम बोल। ओ तो साई ने तुझे भी बता दिया? अबे फाफड़े के पेट में कोई बात रहती है क्या? चल बता। वो सिर्फ दोस्त है। मुझे प्यार की बू आ रही है। हे, सच में ऐसा कुछ नहीं है, होता तो सबसे पहले तुझे ही बताता। वो सब छोड़, वहाँ पर सब कैसा है? हाँ यार सब ठीक तो है, पर तू साथ में नहीं है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ए वासो, आजा यार। आ रहा हूँ, आ रहा। चल यार अब रखता हूँ वरना रो दूंगा। ठीक है। क्या हम मिल सकते हैं? हाय। हाय, सॉरी इस वक्त तुम्हें जरूरत टाइम देखकर नहीं आती। बोलो क्या हुआ? डैड ने कॉल किया था, वो कल आ रहे हैं। उन्हें हमारे बारे में पता चला तो मुझे वापस घर ले जाएंगे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी जल्दी उन्हें हमारे बारे में बताने की जरूरत क्या थी? ओह सॉरी, दरअसल मैं कार की बात कर रही थी। ये कार है या कोई टूटा हुआ खिलौना? मतलब काफी पुराना मॉडल है ना? डैडी को नौकरी लगने के बाद से अब तक ये उनकी फर्स्ट कार है। तुम्हारे डैड का तो पता नहीं, पर कंपनी की बेची हुई फर्स्ट कार जरूर है। प्लीज अभी डैडी को कार की ये हालत बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ करो ना। हे, मैं क्या करूंगा? अगर ऑनलाइन सर्च करूं तो भी इसके सिर्फ फोटोज ही मिलेंगे, स्पेयर पार्ट मिलना मुश्किल है। इस खटारा का कुछ नहीं होगा। अब जब इतने प्यार से कह रही हूँ फिर भी तुम क्यों नहीं करना चाहते? टेंशन मत लो सिस्टर, यहाँ टॉपिक कुछ और है, प्लीज। तो बदल दो। किसने कहा था तुम्हें उस वक्त मेरी गाड़ी के सामने आने के लिए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? इसे ठीक करना। कार के पीछे भी। हे, क्या डिजाइन है, स्पाइडर।
खाता ना हाथ मत लगाना। तुम ये खटारा चलाती कैसे हो माया? इसे तो भंगार में भी कोई नहीं लेगा। सिर्फ एक्सटीरियर में प्रॉब्लम है, इंटीरियर कंडीशन एकदम कड़क है। संभल कर। कार को या खुद को? डैडी, जस्ट अ मिनट। तुम कहाँ हो? On the way. Please, जल्दी आ जाओ, डैडी आ गए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा? वो हर घंटे मुझे फोन करके पूछते हैं तुम क्या कर रही हो बेटा। मॉम ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और डैड हाउस हस्बैंड हैं। बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। ओके ओके ओके, जल्दी आ जाओ। ओहो, बहुत तलब लग रही है। थैंक यू अंकल। ये लाइटर बर्थडे में कैंडल जलाने के लिए है। मगर कैंडल है कहाँ? बर्थडे आया कहाँ है? माया? तुम्हारा रूम तो अच्छा है लेकिन रूममेट अच्छी नहीं है। मेरी बात मानो तो उससे दूरी रहना। गाड़ी की कंडीशन तो ठीक ही लग रही है। गाड़ी तो ठीक है मगर पीछे ये क्या है माया? अब मैं क्या करूं? डैडी, एक्चुअली ये पापा को इतना चाहती है? कैसी चल रही है बेटा? शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तुम एंट्रेंस एग्जाम का सोच रही हो ना? डोंट वरी माया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यू आर द बेस्ट। तुम्हारी माँ तो खामखा टेंशन लेती रहती है कि तुम्हें एडमिशन मिलेगी भी या नहीं। और पता है मैंने क्या कहा? टेंशन की तो कोई बात ही नहीं, शी विल मेक अस प्राउड। मैंने ठीक कहा ना? यस डैडी। तुम आ रही हो? नहीं। आज कोकिला ताई इतनी शांत क्यों है? क्या बात है, अपने रॉकस्टार से मिलने नहीं गई? कूल। आ रही हूं। तो आ जाओ। क्या बात है माया, कभी कहती हो मिलना है कभी कहती हो नहीं, इतना कंफ्यूजन क्यों है? मन करे तो आ जाओ वरना मत आओ। सिंपल। तुम्हारे लिए हर चीज सिंपल है क्योंकि तुम अपनी पसंद की जिंदगी जी रहे हो। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, अगर तुम मेरी जगह होते तो समझ में आता। हे, बिना प्रॉब्लम बताए बिजली की तरह बरस क्यों रही है? नहीं तो क्या करूं? जानते हो, मेरे पैदा होने के वक्त मेरा नाम रखने से पहले ही मेरे घर वालों ने नाम के आगे डॉक्टर फिक्स कर दिया। बचपन में फीडिंग सेरेमनी के वक्त सबने खाने के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी रख दिया और मेरा बैड लक तो देखो, सब कुछ छोड़कर मैंने भी सीधा जाकर स्टेथोस्कोप पकड़ लिया। मेरी किस्मत ही खराब है, घर में सब लोग डॉक्टर या फिर इंजीनियर हैं। बॉस, जरा बोल देना प्लीज। थैंक यू। वो तो अच्छा हुआ कि सचिन तेंदुलकर और सानिया मिर्जा मेरे घर पैदा नहीं हुए, वरना
सचिन को इंजीनियर और सानिया मिर्जा को डॉक्टर बनाते हैं मेरे परिवार वाले। ये मजाक नहीं है, वो तो चाहते हैं कि मैं पेशेंट का हाथ पकड़कर उनका हाल जानूं, मगर मेरा सपना है कि मैं एक सिंगर बनूं और अपने हाथों में माइक पकड़कर गाने गाऊं। अभी मैं ये नहीं कहती कि मेरी फैमिली मेरी लाइफ के बारे में गलत सोचती है, बट क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? समटाइम्स आई हेट माई सेल्फ, लेकिन पहले और आज में सिर्फ एक फर्क है। आज तक जब भी ऐसा सिचुएशन आया तो मैं खुद ही सोचती रहती, खुद को दोष देती और चुप हो जाती, मगर आज तुमसे शेयर कर सकती हूँ, यही मेरे लिए काफी है। मेरा और म्यूजिक का कोई रिश्ता नहीं है अभी, छोड़ो ये सब। पर कहाँ? अभी सुनो तो, ये मुझे कहाँ लाए हो? मैं सिर्फ 6 साल का था माया जब माँ गुजर गई, तब ये भी नहीं पता था कि मरना क्या होता है। सोचता था बहुत रोऊंगा तो माँ वापस आ जाएगी, जब मन उदास होता यहाँ आकर रो लेता, तब वो मेरी जिंदगी में आया। और हमारी इतनी दोस्ती भी नहीं थी, मेरा दर्द समझने की उसकी उम्र ही नहीं थी, बस एक दोस्त था। पर जब मैं माँ के गम में था तब वो फरिश्ता बनकर आया और मेरा हाथ थाम कर उस गम से बाहर निकाला। मुझे लगा इस गम से निकल ही नहीं पाऊंगा, पर मैं तो काफी आसानी से निकल गया। लाइफ के किसी भी सिचुएशन को उससे कंपेयर करूं तो सब सिंपल लगता है। तुम्हारी भी कुछ यही हालत है। डॉक्टर को 24 घंटे काम करने की जरूरत नहीं, बस 8 घंटे देने हैं, उतने काफी हैं। अपने सपनों को पूरा करो। लाइफ ऑल अबाउट बैलेंसिंग माया। क्या कहा था तुमने? आई हेट माई सेल्फ। हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई भी हमसे प्यार नहीं करेगा माया। पर सब सचिन और सानिया की तरह लकी नहीं हो सकते। एक बार गा के तो देखो, पता तो चले सुर है या शोर है। क्या शोर? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम मुझे बाथरूम में गाते हुए सुनोगे तब पता चलेगा मेरा टैलेंट क्या है। तो तुम्हारा टैलेंट देखने के लिए मुझे तुम्हारे बाथरूम में आना पड़ेगा। प्यार क्या इसे ही कहते हैं? तो फिर शुरू हो गई। दोस्त है मेरा इसलिए इतनी क्लोज हूँ। तुम उससे इतनी क्लोज हो, ये प्यार नहीं तो क्या है? उसने प्रपोज कर दिया तो? वो वैसे टाइप का नहीं है, वो एक समझदार लड़का है। माया, नेक्स्ट वीक में जो कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें तुम गाओगी। थैंक्स अभी। क्या ये बियर खत्म होने से पहले कुछ सवाल पूछो? बियर विद अभी है। पूछो। तुम्हें अपने दोस्तों की कौन सी बात पसंद नहीं? जब सबको चढ़ जाती है और मुझे नहीं चढ़ती तो मुझे उनका टॉर्चर सहना पड़ता है। और उनकी कौन सी बात पसंद है? जब किसी को नहीं चढ़ती, सिर्फ मुझे चढ़ती है और वो मेरा टॉर्चर सहते हैं। फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में क्या फर्क है? फ्रेंड वो होता है जो हमारी बीती कहानियां सुनता है, बेस्ट फ्रेंड उन कहानियों का हिस्सा होता है। अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट है तो हमारा फ्रेंड हमसे पूछेगा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, बेस्ट फ्रेंड पूछेगा नर्स कैसी है। अभी आज तुम बहुत फॉर्म में लग रहे हो। ये तो बियर का कमाल है। दोस्ती और प्यार में क्या फर्क होता है? सच्चा दोस्त वो होता है जो हर वक्त साथ देता है, पर जब किसी के बिना जी नहीं सकते वो हमारा प्यार होता है। जो तुमसे प्यार करता है तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? रोना। क्या कहा? रोना। हम दूसरों के लिए हंसने की, गुस्सा होने की एक्टिंग कर सकते हैं, रोने की एक्टिंग नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे लिए रो रहा है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा बस हमसे ही प्यार करता है। क्या तुम कभी किसी के लिए रोए हो? आज तक मौका ही नहीं मिला। डोंट वरी, बहुत जल्दी मौका मिलेगा। अब तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हो। इट मीन्स अ लॉट। फैमिली को कन्विंस कर पाऊंगी या फिर डॉक्टर बनकर जिंदगी गुजारूंगी पता नहीं। कल चाहे मेरा फ्यूचर जो भी हो, मगर म्यूजिक नहीं छोड़ूंगी। अब क्या हम रिहर्सल करें? उस दिन पहली बार ऐसा लगा
कि माया दिल ही दिल में मुझसे प्यार करने लगी है, और यही खुशखबरी लेकर मैं वासु के घर पहुंचा। हाँ, मैंने तो कहा था। आओ अभी आओ, अगर वासु नहीं होगा तो घर में नहीं आओगे। कहाँ है वो? थैंक्स रम्या। आ गए बेटा। हाय अंकल। हाय। कहाँ है बे? अरे अचानक कैसे आ गया? मुझे बोल देता स्टेशन आ जाता। हाँ यार, प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो आना पड़ा। ये माया है। माया ये अभी है, मेरा जिगरी दोस्त। वासु, मामा जी घर जा रहे हैं, आकर मिल लो। हम जरा मामा का दूध का कर्ज उतार के आते हैं, चलो। ठीक है जी, लड़की बहुत अच्छी है। जैसा बहुत अच्छी। हाँ। बड़ी देर लगा थी बेटा, अब घर चले। बेटा आ गई तुम? अच्छा अच्छा, ओके बाय बाय। महीनों में इसे नौकरी मिल जाएगी। अगर इसने पहले ही हाँ कर दी होती तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही कहा ना? क्या दादी, आपको और कोई काम नहीं है क्या? इस उम्र में मैं और कुछ कर सकती हूँ क्या? बस इनकी शादी हो जाए। यार कहानी पूरी फिल्मी है। पिछले साल हमारा परिवार एक शादी में गया था, माया के भाई की। कहने को तो हम सब फैमिली फ्रेंड्स हैं, पर काफी सालों से बातचीत बंद थी। एक गलतफहमी की वजह से हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, लेकिन इस बार दादी ने रोना धोना मचाकर दोनों फैमिली को चिपका दिया। सारी कड़वाहट तिवारी स्वीट्स की तरह मीठी हो गई और मिलने जुलने का बटन फिर से दब गया। जहां तक माया का सवाल है, उससे ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, पर न जाने क्यों वो दिल में घंटी बजाने लगी। दिल में घंटी क्या, पूरा ऑर्केस्ट्रा बज चुका है, लेकिन माया को अब तक इस बात का पता नहीं है। और वो कहते हैं ना कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। मेरा परिवार भी उसे ही बहू बनाना चाहता है। अब बस इंतजार है तो एक चीज का, माया के जवाब का, और मुझे यकीन है वो हाँ ही कहेगी, देख लेना। क्या यार, सब मुझसे उगलवा रहा? तेरी भी तो घंटी बजी थी ना, कौन है वो लड़की और मुझसे कब मिलवा रहा? तूने जिस लड़की से मिलवाया था ना, उसी से प्यार करता हूं। तू माया से प्यार करता है ये जानकर मैं चुप रहूं या तुझसे दूर हो जाऊं या कोई ड्रामा करूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं तुझसे झूठ नहीं कह सकता। एक खूबसूरत लड़की को दिल ही दिल कोई भी प्यार कर सकता है। वो एक को चुने तो बाकियों का प्यार खत्म नहीं होता। यहाँ भी वैसा ही है, बस फर्क यह है कि इस मामले में तू मेरा दोस्त है। कभी माया से तूने कहा है कि तू उससे प्यार करता है? ए, हर बात पहले तुझे ही बताता हूं ना। मैं जानता हूं कि वो मुझे पसंद करती है, मगर प्यार करती है कह नहीं सकता। हम दोनों की सिचुएशन सेम है। अगर हमें उसके मन की बात जाननी है तो हमारे मन की बात बतानी होगी। मैं कुछ समझा नहीं। भिड़ जाते हैं। I'll have a cappuccino. Okay sir. मेरे लिए भी वही। Okay. One cold coffee with whipped cream, ice blended, not crushed. Okay ma'am. घर पहुंचने तक मम्मी डैडी सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। लड़का अच्छा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम्हारे लिए तो परफेक्ट है। जैसे दोनों नशे में थे। दे आर सो हैप्पी फॉर यू वासु। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों फ्रेंड्स होंगे। कितनी छोटी दुनिया है ना। और बताओ, अचानक से मिलने क्यों बुलाया? एक हफ्ता या एक महीना, कभी ना कभी तो बताना ही था। बस सोचा नहीं था कि इस तरह बताना पड़ेगा। अगर हम दोनों दोस्त नहीं होते तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती, मगर दोस्त हैं तो हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो क्या? बोल ना।
मैं जाऊं क्या? नहीं माया, जब से इसने तुम्हारी भाई की शादी में तुम्हें देखा है, इसका दिल फिसल गया। दिन रात इसका दिल बस तुम्हारा ही नाम जपता रहता है। वैसे तो ये कभी लड़कियों के बारे में बात नहीं करता, पहली बार इसने तुम्हारे बारे में दिल से बात की। तुम्हें बताने से डरता है, बट ही लव्स यू अ लॉट। अब तो बता दे यार। सुना था पर यकीन नहीं था कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और मुझे भी हुआ, परियों से भी सुंदर लड़की से जो मेरे सामने है। जमाना ही ऐसा है कि लोग प्यार करने से डरते हैं, कहते हैं कि पहले एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे बंधन जोड़ना है या तोड़ना है। पर तुम्हें देखते ही लगा कि तुम ही वो हो जिसके साथ मैं बूढ़ा होना चाहूंगा। इरादा तो घर वालों की मर्जी से शादी करने का था, मगर अब उनके खिलाफ जाकर भी तुमसे शादी करनी पड़ी तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मेरे लिए मुझसे ज्यादा तुम्हारे जज्बात जरूरी है, इसलिए तुम जो फैसला करोगे मैं उसकी इज्जत करूंगा। अगर ना कहोगी तो जितनी जिंदगी है उसे काट ही लूंगा, और हाँ कहोगी तो जिंदगी संवार दूंगा। क्या बात है वासु, तूने तो चौका मार दिया। इसने तो अपनी फीलिंग्स नदी की तरह बहा दी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये तुमसे इतना प्यार करता है। हमारी दोस्ती से बड़ी दुनिया में और कोई चीज नहीं है। जिंदगी में हर चीज कैजुअली लेता हूं, मैं इसे सीरियसली ले लिया, और इसके बाद तुम्हें। हम दोनों एक एक्सीडेंट में मिले, दोनों को इत्तेफाक से म्यूजिक पसंद था। पता नहीं इस सफर में कब तुम पर दिल आ गया। मेरे लिए भी ये सब नया है माया। सोचा था इसके लौटते ही तुमसे मिलकर तुम्हें सब बता दूंगा, और देखो इसके सामने ही तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं। सोचता था लड़कियों से प्यार करना, उन्हें प्रपोज करना, जीने मरने की कस्में खाना, ये सब टाइम वेस्ट है। पर जब से तुम्हें देखा है माया, जिंदगी भर टाइम वेस्ट कर सकता हूं। जब किसी से प्यार करते हैं तो दिन रात उसकी बातें करते हैं, पर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं माया कि बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाए। आई एम इन लव विद यू। हां कहो या ना कहो, मेरा फ्यूचर जो भी हो, यू विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। माया, तुम्हें इसी वक्त जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। टेक योर ओन टाइम, जब तुम्हारा मन करे तब कहना। हम इस टॉपिक पर तभी बात करेंगे जब तुम करना चाहोगी, उससे पहले नहीं। क्या बात है वासु, आज तो फॉर्म में लग रहा है। बस यार तेरी घर से स्क्रिप्ट रट गया है क्या? जो बोला दिल से बोला। मुझे बोल देता, मैं भी तैयारी करके आता। अरे क्या यार, बिल्कुल नहीं याद करके कौन आता है यार? झूठे। सच बोल रहा हूं। मगर दोनों ने एक साथ क्यों प्रपोज किया? जब सडनली उन्होंने प्रपोज किया तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, मगर बाद में मुझे लगा इसमें गलत क्या है। जब उन्हें लगा इस बात से उनकी दोस्ती में दरार पड़ सकती है, तो अपने ईगो को साइड में रखकर उन्होंने जेन्युइनली अपने दिल की बात कही। जो रिस्पेक्ट वो दोनों अपनी फ्रेंडशिप को देते हैं, सच कहूं तो वही रिस्पेक्ट मैं उनके प्यार को देना चाहती हूं। शाह, प्यार करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर प्यार को समझने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। इन चीजों में तो दोनों भी बेस्ट हैं। ये बताओ तुम किससे प्यार करती हो? यही तो समझने की कोशिश कर रही हूं। होने वाली बहू के लिए माँ ने दिया। क्या बात है माया? तुम तो मेरे डैडी को जानते ही हो ना वासु, 2 दिन में कॉन्सर्ट है। जब तक उन्हें पता नहीं था कि मैं म्यूजिक ग्रुप में हूँ, तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मगर अब कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस में उन्हें डेफिनेटली पता चल जाएगा। वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये सोचकर टेंशन हो रही है। इस टेंशन में मैं ठीक से गा भी नहीं पाऊंगी। ये मेरे सपनों को पूरा करने की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। मेरी सिचुएशन उस इंसान की तरह है जो रेस में फिनिश लाइन के सामने आकर रुक जाता है।
एक मिनट। हेलो अंकल, अंकल वासु बोल रहा हूँ। हाँ वासु बोलो। अंकल आज आपकी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई है जो शायद उसने आपसे भी कभी नहीं कही। तो वासु ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुर और ताल उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, वो गाना चाहती है अंकल। तो उसे मना किसने किया है बेटा? हाँ पर कभी इजाजत भी तो नहीं दी, उसे आपका साथ चाहिए अंकल। दो दिन बाद ही उसका कॉन्सर्ट होने वाला है। ठीक है जरा माया को फोन दो। तुम्हारे डैडी हैं, बात करो। हेलो डैडी। देखो बेटा अगर वासु कह रहा है तो सोच समझ कर ही कह रहा होगा। आई थिंक ही इज राइट। तुम्हें पता है मुझे सिर्फ क्रिकेट का शौक है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मैं सारे काम छोड़कर बस टीवी के आगे बैठ जाता हूँ। तुम्हें गाना गाना पसंद है और मुझे क्रिकेट, तो जो पसंद है वही करो। जाओ और अपनी आवाज दुनिया को सुनाओ। थैंक्स डैड। बेस्ट ऑफ लक। आज के बाद तुम्हारी मंजिल के बीच कोई रुकावट नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट, कॉन्सर्ट में मिलते हैं। बाय। मैं अभी को पसंद करती हूँ। जो पल मैंने उसके साथ गुजारे हैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती है, मगर अभी के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इट्स प्योर। अब इस एहसास को मैं प्यार का नाम दूँ या शादी के बारे में सोचूँ पता नहीं। इस फीलिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जब भी मैं अभी के साथ थी मुझे कभी नहीं लगा जो हमारे बीच था वो प्यार है, और शादी इट्स टोटली डिफरेंट। केयरिंग, सिंसियर, परिवार को खुश रखना, ये सारी चीज़ें मैंने तुम में देखी हैं। मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है और आज तुमसे कहने आई हूँ वासु, यू आर माई राइट चॉइस। हम जल्द ही अपने पेरेंट्स से बात करके शादी कर लेंगे। यकीन नहीं होता माया ने मुझे हाँ बोल दिया। माया मेरी होने वाली है। यस। जल्दी से जाके ये बात अभी को बताता हूँ, वो सुनेगा तो पागल हो जाएगा। माया आई लव यू। माया क्या बात है बे? क्या हुआ? माया ने हाँ कह दी। मुझे उम्मीद नहीं थी यार, कह रही थी घर वालों से बात भी करेगी, वो मान गई यार, मेरी तो लाइफ बन गई। थोपड़ा देखो इसका, बल्ब की तरह चमक रहा है। कमीने। मैं भी खुश हूँ। लड़की मिल गई तो दोस्त को भूलना मत। क्या यार। Cheers! Cheers! Hip hip! Hooray! माफ करना भाइयों, जाना होगा, पार्टी फिर कभी करेंगे। ए वासु, भाई, थाम भाई। ए रुक भाई। किसके साथ था? बोलो ना। हाँ आ जाऊंगा। ये तो गया। ऐसा ये लड़ाई है, उसके लिए पार्टी रखी और खुद ही चला गया। चुप कर। इसमें गलत क्या बोला? हाँ चल सकते। हाँ क्या कह रही थी? हाँ कहाँ चलना? कह रहे उसने तेरा फोन नहीं उठाया। चल चलते हैं, वो आ जाए। हसन को इसे बदल जाते हैं रे। एक बात हम नहीं समझे बेटा, मेम साहब की बरसी और वासु नहीं,
कैसे हो भाई लोग? कल माया के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी, मौका अच्छा था तो बात कर ली और सब लोग मान भी गए। हमारे रिश्ते से सब खुश हैं। उदास क्यों? कोई मर गया है क्या? तो बस तुझे माया के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी याद थी। और क्या था? अरे याद कर गधेड़ो। सॉरी अभी दिमाग से निकल गया, तू याद नहीं दिला सकता था। पहले तो कभी याद नहीं दिलाना पड़ा, तो अब क्यों? सोचा नहीं था तू इतना बदल जाएगा। बिल्कुल भी याद नहीं रहा, माफ कर देगा। दिमाग में बस यही था कि माया के पेरेंट्स से बात करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ए, बंद कर अपना महाभारत। जैसे इस दुनिया में तू अकेला ही आशिक है। सतीश, जबान को लगाम दे। मेरी जबान को लगाम ही नहीं है, मैं उसकी तरह चुप नहीं बैठ सकता। लड़की मिलती दोस्तों को भूल जाने वाला कैसा अजीब इंसान है तू, मेरे को नहीं जमता। इसकी बात पे ध्यान मत दे, तू जानता है मैं ऐसा नहीं हूँ। साई द्वारा किधर भाई? छोटी सी बात पर इतना भड़केगा? छोटी सी बात, आज ही के दिन हम दोस्त बने थे। अरे शांति रखो भाई, तुम दोनों झगड़ा मत करना हो प्लीज। वो चिल करो यार, चिल्ड बियर ले आऊं। हाँ। अरे ले कर, वासु की शादी होने वाली है ना, थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं। अरे तो हो गया तेरा, अब से एक हफ्ते के लिए सिर्फ तुम लोगों के साथ रहूंगा, उससे नहीं मिलूंगा। अब तो खुश ना? मैं क्या कह रहा हूँ और तू क्या समझ रहा है? माया तेरे लिए जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, मगर हम बचपन से तेरे साथ हैं। तू तो बदल गया है, हम नहीं बदल सकते। क्या मतलब? जैसा तू पहले था अब वैसा नहीं है, और यही सच्चाई है, तू मान या मत मान। भाई जाने देना। क्यों जाने? तू तू मेरी जगह होता तो पता चलता। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, तू मेरी जगह होता तो पता चलता। अरे मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी करने वाला हूँ, उसके साथ थोड़ा वक्त बिता लिया तो क्या गलत किया? जब तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आएगी ना, तब पता चलेगा, तुम्हारी भी यही हालत होगी। मुझे लगा था दोस्ती से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता, पर तू कह रहा है कि दोस्ती तब तक रहेगी जब तक कोई लड़की नहीं आती, यही ना? प्रैक्टिकल बात कर यार, हर चीज की लिमिट होती है, कोई दूसरों को उसकी लाइफ कैसी जीनी चाहिए ये नहीं बता सकता, सबकी अपनी लाइफ होती है। ये मेरी लाइफ है, इसे जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। अगर तू अपनी लाइफ जी रहा है, मैं भी अपनी लाइफ जी लूं। अभी अरे उस दिन पहली बार वासु से इतना नाराज हुआ कि उसकी शक्ल भी देखने का मन नहीं किया। इतने सालों बाद ऐसा लगने लगा है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं। दोस्त की कमी महसूस हो रही है। काई को बुलाया? उसका दिल दुखा के मैंने अच्छा नहीं किया। चलो उससे बात करते हैं। चला गया वो। क्या चला गया? कहाँ चला गया? कुछ पता नहीं है भाई। हा? उसके पापा ने बोला वो हमेशा के लिए चला गया। मुझे छोड़ के चला गया? उससे माफी मांगने के बावजूद राय का पहाड़ बना दिया। दोस्ती के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करता था, सच में दोस्ती का मतलब जानता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ऐसा नहीं है रे। ऐसा ही है सत्या, जब मन करे आएगा, जब मन करे चला जाएगा, सब कुछ क्या सिर्फ उसी की मर्जी से होगा? पहाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। Hey, अभी। Hey, man. How are you? I'm good. चलता हूँ। रम्या? भैया आप और यहाँ? 4 साल से यहीं हूँ, ये मेरा कॉफी शॉप है। पर तुम यहाँ कब आई? बस 3 महीने हुए हैं। इंडिया से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था और यहाँ इंटर्नशिप कर रही हूँ। ओह, गुड। इतने साल आपको हमारी याद भी नहीं आई? ऐसा क्या हुआ भैया, आपने हमें फोन तक नहीं किया? अंकल आंटी कैसे हैं? वो ठीक हैं। कल शादी का इन्विटेशन देने साई भैया घर आए थे, मॉम ने फोन पर बताया। वासु कैसा है और माया?
आपने एक बार भी हमारा हालचाल पूछने के लिए फोन क्यों नहीं किया भैया? उन दोनों की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी और माया को खोकर हर कोई सदमे में था और भैया वासु उस गम को आज तक नहीं भुला पाया है। मैं उसकी आवाज सुनने के लिए तरस रहा था। हेलो, हेलो, कौन? ओटीपी बताओ। 614254। नेक्स्ट 945215। तीसरा बताओ। फोन आ गया। हेलो 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 मैगी खाने वाली नहीं। ए, आवाज कट रही है। अभी ठीक है? आप शादी कराती है? वेडिंग प्लानर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, ए आउटगोइंग इनकमिंग, हेलो। हाँ बोलिए। कहीं आपने फोन उल्टा तो नहीं पकड़ा था क्या? पहुंची? हाँ पहुंची। क्यों? ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैगी के होते प्रॉब्लम? नो वे। आप एंजॉय कीजिए, बाकी मैं देखती हूँ। क्या बात है कृतिका? मैडम सारे क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो चुके हैं और बैंक में अठन्नी भी नहीं बची है। उधार के पैसे भी खत्म हो चुके हैं और अगर हम ऐसे ही खर्च करते रहे तो कंगाल फटे हाल हो जाएंगे मैम। आखिर तो कहना क्या चाह रही है? क्या बात है, इतना रिस्क जो ले रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? रिस्क के बारे में कम सोच, बिजनेस के बारे में सोच। तेरे को पहले ही कहा है मैं एमडी हूँ और तू मेरी एम्प्लॉय। बता अभी हम क्या खा रहे हैं? डोसा। कैसे? हाथ से, चटनी के साथ। एक टाइप की चटनी के साथ। अरे कृतिका, आज के जमाने में 10 लोगों में शादी निपट जाती है और ये बंदा तो 10 दिन की शादी प्लान कर रहा है। सोच कितना अमीर होगा। और हम बार बार इतने बड़े क्लाइंट से पैसे मांगते रहे, सोच अच्छा लगेगा? उसे लगेगा हम कंगाल हैं। अगर हम अपना स्टेटस बना के रखेंगे ना तो हमारे पास बड़े बड़े क्लाइंट्स आएंगे। फिर यही डोसा हम टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी, नारियल की चटनी, बटर और खजूर की चटनी के साथ खाएंगे। मजा आएगा ना? इतनी चटनी के अलावा क्या मुझे 2 डोसा मिल सकता है? ज्यादा खाएगी ना तो मोटी हो जाएगी। खत्म कर, हमें जाना है। एक रेड बियर जल्दी कर। इतना स्टॉक किस लिए? लड़के के दोस्त होंगे, खाने में तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर अभी दारू लेकर नहीं गए तो आधी रात को फोन करके पूछेंगे दारू चाहिए, तब क्या करेगी बिजनेस माइंड। 11,500। हाँ ये लो। आजकल मर्द तो चेहरा देखना ही पसंद नहीं करते। ये हर मर्द का दर्द है। हेलो, साई ने आपका नंबर दिया था, कहाँ है? हम तो यहीं पे हैं। अरे कहाँ? मुझे आराम से पहचान लोगी, ग्रुप का टॉम क्रूज मैं ही हूँ। चुप कर ठरकी। हेलो, ओ काओ जी। ओए, हेलो, हम यहाँ हैं। हाय,
It's a crazy, 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 crazy feeling. It's a crazy, 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 crazy feeling. It's a crazy, 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 crazy feeling. It's a crazy, 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 crazy feeling. मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था और साक्षात तुम्हारे ही दर्शन हो गए। आते वक्त स्टॉक खरीद लिया था। जाते वक्त हम पियेंगे। नहीं नहीं, गाड़ी में पीना मना है। आओ मेरे साथ। या ऐसा ही चे, चलो। वेलकम, आओ आओ। अरे कितने दिनों के बाद मिल रहा हूँ। इसको छोड़ दो, माय फ्रेंड्स वासु, सत्या, कौशिक। हाय। ऐसा लगता है ये लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। लगता है इस मर्द का दर्द कुछ और है कृतिका। दूल्हे राजा बजाएगा बाजा है? हाँ बजाऊंगा, बजाऊंगा। तो शादी के बाद पता चलेगा कि मेरा बाजा बज रहा है कि उसका है। ये सुन, एक मस्त जगह है ऊपर पर्वत की चोटी पर। जाएंगे? आ जाएंगे। अभी आया। अरे अभी आया भाई। कैसा है भाई? कैसा है यार, आ गया तू? यार तू तो टॉम क्रूज बन गया। कैसा है? दाढ़ी हटाई तो 5 किलो वजन कम हो गया। वासु को जाकर मिलता हूँ। सॉरी यार, तू तो उसको जानता है, उसका गुस्सा। hey, तू क्यों सेंटी हो रहा है फाफड़े? 4 साल हो गए उससे दूर होकर। वो दोस्त थी क्या जो आते ही गले लगा ले? हमें गुस्सा सब पर नहीं आता यार, उन्हीं पर आता है जिनसे सबसे ज्यादा प्यार होता है। यार इतने सालों बाद आ रहा हूँ, गला सूख रहा है, कुछ पिलाओ यार। क्या यार सत्या, तूने दारू छोड़ दी क्या? भाई तो भाई सारी रात जलसा है, पार्टी फुलना है। ये कैसी जगह है भाई? पार्टी वाली जगह। सतीश कहाँ है? सतीश? हाँ। ये सब क्या है बे? पार्टी है इसलिए थोड़ा ही एक्स्ट्रा मेकअप करके आया हूं, लेकिन इधर तो कुछ और ही चल रहा है। अबे ये गा रही है या रो रही है? क्या थकेली पार्टी है, फाफड़े को कुछ बोला क्यों नहीं? अरे बोला था मैंने, तो कहने लगी कि लड़की वाले पुराने ख्यालात के, जैसे उसकी माँ कोई सती है और उसका बाप कोई साधु रहा है। चमाइल पीने के पहले ही उतर। ओए वो देख, हमारी होने वाली पाबी। पर ये बुढ़ाऊ कौन है? दादाजी, उसकी आखिरी ख्वाहिश होगी शादी देखने की। आजकल शादी फैशन बन गई है। आप क्या लेंगे शाबजी? जहर ले क्या? वो तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ शाबजी, आपके पास हो तो मुझे दे दो। हो तो देना साहब। तेरी तो कहाँ अटक गया है? हाय, इफ यू डोंट माइंड, मेरे को घर छोड़ दोगे? अरे तूने तो पार्टी में एकदम हंगामा मचा दिया, मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू। कोई बात नहीं। कल जब तू वासु को विश करने गया था उसने तुझे अवॉइड किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदलते नहीं, बनावटी और ढोंगी कहीं का। तू बिल्कुल मत झुकना। मैंने थोड़ी ढील क्या दे दी, तूने फिर से औकात दिखा दी। अगर वो अपनी बुराई खुद भी करे तो भी मैं यकीन नहीं करूंगा। तू भी मेरा दोस्त है इसीलिए मैं चुप हूं, वरना इस बात के लिए तेरा मुंह तोड़ देता। यार सॉरी, अभी देख कॉलेज फ्रेंड का साथ मैक्सिमम एग्जाम के लास्ट क्वेश्चन पेपर तक होता है, ऑफिस फ्रेंड का साथ शाम 4 बजे घर जाने तक होता है, पर बचपन के दोस्त का साथ
आखिरी सांस तक होता है। अगर ये बात तेरी समझ में नहीं आती तो तेरा कोई बचपन का दोस्त नहीं है, या फिर तेरी उम्र बढ़ गई है पर अकल बच्चे से कम है। हम एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करो। ओके अवे, तू आसू है ना? मैं मैगी हूँ, वेरी कॉन्फिडेंट एंड बिल्कुल बिंदास। बस 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 यही रोक, यही रोक दे। इसकी तो थैंक यू। तुम ठीक हो ना? हाँ वासु, थैंक यू सो मच यार, तू कमाल का बंदा है। हाँ तू ना गड्डी लेके चला जा, कल मैं तुझसे ले लूंगी। ओके बाय, थैंक यू। अरे टीवी बंद कर यार। अबे योगा आ रहा है, माइंड और हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया चीज है। तू कर क्या रहा है बे? हेल्थ बना रहा हूँ, रोज सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के जागता हूँ और योगा देखता हूँ। तो योगा कर, देख मत। कल रघु तेरी बुराई कर रहा था तो अभी उस पे वाइता गया। उसने तो वार्निंग देकर छोड़ दिया, अगर मैं वहां होता और किसी ने अभी के बारे में कुछ बोला होता तो वहीं उसकी टांगे तोड़ देता। अगर इतनी फिक्र है तो बात क्यों नहीं करते? मॉर्निंग। आज नहीं तो कल बात तो करेगा ही, टाइम वेस्ट कर रहा है। यार वो कहीं सीरियस तो नहीं हो जाएगा? मैम आजकल के लड़के तो व्हाट्सएप पे ही पीछे पड़ जाते हैं और आपने तो पप्पी दे डाली। हाय हाय। हाँ स्माइल देना, हाय कहना, बाय कहना, ये सब तो ठीक है, मगर इस पप्पी के बाद वो झप्पी देना चाहेगा, मंगलसूत्र खरीद लेगा। सुहागरात के लिए तैयार हो जाओ, चलो। नहीं यार कृतिका, अब आइए ना मैम। 4 बॉटल वोडका भारी पड़ गई यार, तो कम पीना चाहिए था। वो सामने ही है, जाइए। हाँ ठीक है। कृतिका जा गड्डी लेकर आ। पप्पी आपने दी और गड्डी मैं लेकर आऊँ? मुझसे नहीं होगा। कोई बात नहीं यार, एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। बाय। हाय। हाय। अब ये तुम्हारी गाड़ी की चाबी। थैंक यू। सॉरी कल रात को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी, मेरे को पता भी नहीं है कि मैंने क्या हरकत की, पता ही नहीं चला मैं घर कैसे पहुंची और अंदर कब गई। ऐसा होता है वासु। कल रात जाने से पहले क्या मैंने तुम्हें पप्पी दी थी? एक्चुअली यार मैं बहुत बहक गई थी, एंड आई होप कि तुम बहके नहीं थे, तुम समझ सकते हो ना। ये वैसे था जैसे एक बेस्ट फ्रेंड अपने फ्रेंड को झप्पी देता है और मैंने पप्पी दे दी। वैसे मेरा ये इंटेंशन नहीं था, लेकिन मुझे था पप्पी देने की आदत है। अब यार अब इसमें गलत क्या है? कल रात हमारे बीच जो हुआ मुझे लगा वासु ने वैशाली है। कोई बात नहीं, रात गई बात गई, मैं तो कब का भूल भी चुका हूँ। बस वहां रुककर ये देख रहा था कि तुम घर पहुंची या नहीं। वैसे पीना कम करो। अबे बच्चा है क्या कोल्ड ड्रिंक पी रहा है? क्या तू भी फाफड़ा है? ए सत्य तेरी गर्लफ्रेंड थी ना, क्या हुआ उसका है? वो इसे यूज करके भाग गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक दिन उसने मुझे अपने डैड से बात करने के लिए बुलाया। वेज सैलेड, ब्रोकली कॉर्न सैलेड, गार्डन ग्रीन सैलेड, और तुम
रहने दो अंकल, मैं पीते वो कुछ नहीं खाता, लेकिन पीने के बाद हम हैदराबादी बिरयानी खाएंगे, ओके? अच्छा सुन, 5 लार्ज विस्की सोडा के साथ और बर्फ का गोल गोल टुकड़ा, ओके? लेके आ। तुम पीते हो? अरे दबा के, कमल है, रानी ने आपको बोला नहीं? एक्चुअली पहली बार हम दोनों एक पार्टी में मिले थे, तो रानी को देखते ही मेरे को एकदम नशा चढ़ गया। उस दिन हमने बहुत पी और दारू पीने के बाद इस नमूने से शादी कैंसिल। डैडी, डैडी, मैंने कुछ गलत बोला क्या? तू सिर्फ दारू पी। वो कहावत है ना, अंधा घोड़ा शादी करने दौड़ा, इस पे फिट बैठती है। कितने सालों बाद हम साथ में हैं, मेरी शादी में तुम सबको देख के बहुत खुश हो रहा हूँ। मिस्टर साई, है आपसे बात करनी है। हाँ आता हूँ, ए तुम भी साथ चलो ने। अरे तू जाना। अरे भाई चलो ने यार। तुम लोग जाओ, मैं एक फोन करके आता हूँ। हाँ ठीक है। पता नहीं मैगी क्या मैगी पकाएगी। चल चल भाई। अरे अब सब आ गए। हाँ। 2 दिन में एंगेजमेंट है, हमने हाँ। सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, चेक कर लीजिए। ठीक है, देख ले। दुल्हन की तरह दुल्हन की क्या जरूरत है, ये है ना, जा तू कर ले जाके। मैडम अगर मैंने इन कपड़ों में रिहर्सल कर ली ना तो यूट्यूब में मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, आप ही जाइए। मैडम रिहर्सल करेंगी, आइए आप मेरे साथ आइए। क्या यार, मैं उस पर कैसे बैठूंगी? अरे एकदम सिंपल है, बस अब बैठेगा रिहर्सल अपने। तू जाना सत्य, तू तो मेरे बारे में जानता है ना, बचपन में जॉइंट व्हील पर से गिरा था, 1 महीना हॉस्पिटल में था। नहीं रे बाबा, मेरे को नहीं जाने का। नहीं नहीं भाई, एक मिनट आना। क्या हुआ? आओ ना भाई, आई विल जस्ट कॉल यू बैक। कहां लेके जा रहे? काम है। आओ आओ इधर बैठ जा। तू दूल्हा है, ये दुल्हन है, तुम दोनों की एंगेजमेंट है। अरे ऐसा नाटक करने का है भाई? सटक गया क्या फाफड़े? क्यों भाग रहे हो? ये तो सिर्फ रिहर्सल है, कुड़ी हाँ। बिंदास है, तो मुंडा क्यों उदास है? फाड़ देंगे। हाँ बराबर, ओके। ओ पाजी, ऊपर लो। वाह बेटा, क्या बात है, बढ़िया, वेरी गुड। अभी कबूतर उड़ रहा है। अरे यार यहाँ तो मेरी फट रही है। प्लीज रोको, प्लीज 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 प्लीज। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह नो। इट्स ओके। कल तेरे को भी ऐसा ही करना है। खर्चा किया है भाई। ये तो देखो, अरे वाह, मारे मारे। आप तो छा गई मैम, रिहर्सल परफेक्ट थी। कहाँ खो गई आप? कहीं आपने सच में तो रिंग नहीं पहना दी? इसीलिए 12 बजे हैं? कल रात पार्टी के बाद किसी को पप्पी दे दी, अब रिंग पहना कर आधी शादी पक्की कर दी। कृतिका, रात को नशे में झप्पियाँ दे दी, पप्पियाँ दे दी, वो सब ठीक है, अब होश में आते ही आधी शादी कर ली। मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि इन 10 दिनों में साई की होना हो पर आपकी शादी जरूर होगी। अरे अपना डीजे का रहते हुए कौन नागिन डांस करेगा? हाय गाइस, नमस्ते अंकल। हेलो अंकल, थैंक्स फॉर कमिंग। बेटा तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगा, बैंगलोर में किसी काम से आया था, सोचा तुम लोगों से मिलता चलूं। ये वासु कहाँ है? पुरानी बातों को याद करके तुम लोग आपस में कब तक इस तरह बात नहीं करोगे? बात करने को बचा क्या है अंकल? भाई जैसे दोस्त की माँ की बरसी को भूल गया। माया को दोस्त से बढ़कर मानने की गलती की है। मुझे एक मौका तो देते, अगर नहीं सुनता तो फिर शिकायत करते, फिर भी नहीं सुनता तो डांट कर बताते। सच्चा दोस्त भटके हुए को भी रास्ता दिखा देता है, लेकिन जो बीच राह में छोड़ जाए उसे क्या कहेंगे?
नाराजगी समझ में आती है, लेकिन एक हफ्ता, एक महीना, दो महीना, उससे ज्यादा नहीं। इन चार सालों में हर दिन मैंने इसके वापस आने का इंतजार किया है। माया को खोने के बाद अकेला पड़ गया, पर जितना दर्द माया को खोने का हुआ था उससे कहीं ज्यादा उस वक्त दोस्त को खोने का हुआ था। अभी को इस बात का पता नहीं था। अगर पता करने की चाह हो तो कुछ भी पता करना मुश्किल नहीं। ये बस इतना चाहता था कि शादी के बाद तू और माया खुश रहे। और इसके बिना क्या मैं खुश रह पाऊंगा? ये नहीं सोचा माया से शादी मतलब क्या सब कुछ खत्म? मुझे क्या इसकी जरूरत नहीं थी? माया साथ हो या ना हो, इसकी कमी कोई नहीं भर सकता। वासु यार, बंदा देख कितनी दूर से आ रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि वो कितनी दूर से आया है, यह है कि वो दिल से कितनी दूर हो चुका है। सॉरी अंकल, आपके लिए मैं फेक बिहेव कर सकता हूँ, पर मुझसे ये सब नहीं होगा, क्योंकि मैं मान चुका हूँ कि मैं अपना एक दोस्त खो चुका हूँ। उम्मीद है आप समझेंगे। सर, क्या हम चलें? चलो बेटा। मेरा वॉलेट खो गया। ओके, किसी को मिले तो बता देना। बिल्कुल सर, जरूर। थैंक यू। सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं ना? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मैम, सब अरेंज हो चुका है। हाय वासु। हाय, वो मेरा वॉलेट खो गया, उसे ढूंढ रहा हूँ। ओह नो, कृतिका एक बार जाकर रेस्टोरेंट में चेक करोगे? क्या ये है? अरे हाँ, थैंक्स। अरे ये ले, मेरा कार्ड नहीं चल रहा था तो सुबह तेरा वॉलेट ले गया। तू सो रहा था ना, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। अरे कौशिक, वो सारा सामान मंगा। फिर ये किसका है? वासु, जिस बंदी की बात कर रहा था, तुम्हारे पास भी वही फोटो है ना? दोनों बंदे एक ही बंदी को चाहते थे? वो बंदी वासु को चाहती थी ना? हाँ। फिर तुम किसको? एक आखिरी सवाल पूछूं प्लीज। पूछो। क्या वासु की सड़ी शक्ल उस बंदी की वजह से है? आदमी के सक्सेस के पीछे औरत का हाथ हो ना हो, पर उसकी ऐसी शक्ल के पीछे औरत का हाथ जरूर होता है। तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं जनाब, मेरी शादी नहीं हुई है, पर ऐसा लगता है तुम्हारे 10-12 बच्चे जरूर हैं। ए धोनी जूनियर, बैट। अरे नहीं ना अंकल। क्या बोला? मुझे बैटिंग करनी। अरे है। देना यार, तू जा, जाके पीछे फील्डिंग कर। ए अभी क्रिकेट खेलेगा क्या? ए कौशिक। हाँ? अरे एकड़े ये। हाँ, आता हूँ। ये चार तेरे टीम में, वो चार मेरे टीम में, चल टॉस उड़ाते हैं। निकाल चवन्नी। टेल। टेल आ गया भाई, मैं जीत गया। रुक रुक रुक, कॉइन ठीक से गिरा नहीं। थप्पड़ मारूंगा, दोनों कान एक तरफ हो जाएंगे। ला बैट ला। हमरे अगर तू मर दे, एक ही बाप का बेटा है, तो बैटिंग माला थे। क्या मुन्ना कर ले बैटिंग। चल बेटा बॉलिंग कर। हाँ टाकरे। अरे क्या हुआ अंकल, क्यों रुक गए? अपन प्रोफेशनल बैट्समैन है। ओए तू पोज ही मारता रहेगा, शॉट भी मारेगा। छोटे थोड़ा पीछे खड़ा हो जा, नहीं तो फटका बैठा ना तो तू भी बाउंड्री के बाहर। कोई बात नहीं अंकल, खेलो तो सही। पाव किलो कोमड़ी। यौदे अरे जाओ। अरे
क्या चवन्नी ढूंढ रहे हो क्या सर? बॉल नहीं मारी जाती, चल। आया प्रोफेशनल बैट्समैन। हम एक क्रिकेट बैट से खेलते हैं, गाल से नहीं। इसे कहते हैं बॉलर की पप्पी। अरे भाई कंट्रोल नहीं हो रहा। बैट्समैन अंडरआर्म डालू क्या? वो तो खेल पाओगे ना। अंकल जी बगीचे की सैर करो, मजा आएगा। हाँ बेटा सही कहा, बहुत अच्छा मौसम है। मैगी। इसे कुछ नहीं हुआ, ये ठीक है। अच्छा हुआ बैट अंकल जी की गोद में गिरा। ऊपर देख ना भाऊ, पहले तो सर पे गिरा, फिर गोद में गिरा। ओ नो नो, अंकल जी। अरे अंकल जी आप ठीक हैं? आई एम सो सॉरी अंकल जी, वो गॉड। मुझे लगा बैट मैगी को लग जाएगी। अरे मुझे उतनी दूर से क्लियरली दिखाई दे रहा था कि बैट बुड्ढे के सर में गिरने वाला है, और तू इधर खड़ा रह के देख नहीं पाया। ए, तू इतना सीरियस क्यों है? वो डाटा पक गया तो? ओ, पुलिस केस होगा। वो तो चलेगा, लेकिन फाफड़े का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होगा। लगिन करना ही उसके लाइफ का मकसद है। बस हमारे पापा जी को कुछ नहीं होना चाहिए। तेरे खानदान में कभी किसी ने बैट बॉल खेला है? छोटे छोटे बच्चे तेरे से अच्छा खेलते हैं। बैट को बॉल की तरह थ्रो करने की क्या जरूरत थी? बैट हवा में उड़ा के खिलाड़ी नंबर वन बनने गया था। तू दोस्त है इसलिए, वरना तुझे तो उसी बैट से ठोकता। अगर मेरे दादा को कुछ हो गया ना, तो मैं तुझे तेरा परदादा याद दिला दूंगा गधेड़ा। सब मेरी वजह से, क्या करूं? उन्हें बचा लो। क्या हुआ? अगर अंकल जी को कुछ हो गया तो? ओ, अपने अंकल के बारे में सोच रही हो? नहीं नहीं, वो बुड्ढा तो बहुत पहले ही मर गया। हमेशा मेरी शादी को लेकर ताने मारता था। ये तो अच्छा हुआ ऊपर वाले ने उसे उठा लिया, उसके मरते ही मेरा बैड लक ठीक हो गया। अगर अंकल जी को कुछ हो गया तो ये शादी टूट जाएगी, और अगर शादी टूटी तो पता है क्या होगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने पैसे उधार लिए हैं इस इवेंट के लिए, अगर शादी टूट गई तो सारे पैसे डूब जाएंगे, और मैं भी। हम उनसे मांग लेंगे। सारे पैकेजेस नॉन रिफंडेबल हैं। टेंशन मत लो, कुछ हुआ तो पैसा मैं दूंगा। तुम पैसे दोगे? ठीक है, मैं इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस कर दूंगी। सॉरी, दिमाग काम नहीं कर रहा। डोंट वरी, इट बी ओके। नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ ना, तुम होगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। अरे वासु, तुम? मैम, अंकल जी बिल्कुल ठीक हैं, टेंशन की कोई बात नहीं। तुम यहाँ कैसे? मेरे हस्बैंड यहीं के हैं, ही इज आल्सो अ डॉक्टर। वो अपने गांव के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके साथ अक्सर यहाँ पर आती हूँ। हस्बैंड, उषा तूने मुझे अपनी शादी में बुलाया नहीं। तुझे बुलाने के लिए क्या दूसरी बार शादी करेगी? तुमने कब बुलाया? मैंने याद किया, पर एड्रेस नहीं था तो कार्ड कहाँ भेजूं? कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। शादी कब है? इस फ्राइडे को। ये कौन है? मैगी। एक्चुअली मेरा नाम मेघना है, लोग मुझे मैगी बुलाते हैं। वेडिंग प्लान। ओह, मिलकर अच्छा लगा। ओके, शादी में मिलते हैं। बाय अभी। बाय वासु। बाय। एक लड़की अभी
और वासु, अभी दोस्ती में और लोचा नहीं होना मांगता है। He is very naughty, huh? यार ढोकले की बीवी का कुत्ता। चल ऐसे ही पकड़। कौन सा शैम्पू लगा रहा है? गंदो कुत्रो। तू हशे कुत्रो। तारी आप ढोकली भी कुत्रा के लिए मारे डिकरा को मारा? वो कुत्रा नहीं है, वो जूस है। कुटला जूस, ऑरेंज जूस की मैंगो जूस। ए तेरा जूस बना दूंगी मैं, समझा? ओ ऐसा। बचपन में मेरे डिकरे को कुत्रे ने काटा था। बेली में 12 इंजेक्शन मारने पड़े थे। 16 मम्मी। एक्चुअली मुझे डॉग से डर लगता है। बोला ना, वो डॉग नथी, वो जूस छे। तो क्या लगन पछी तू इस जूस को लेकर हमारा जूस बनाएगी? हाँ, जूस मेरे साथ ही रहेगा, मेरे साथ ही खाएगा और मेरे साथ ही सोएगा। तो मेरे डिकरे के साथ क्या करेगी? जूस साथ ही लगन करेगी। तुम्हारे बेटे से तो अच्छा मैं उससे शादी कर लूंगी। बंद करो कुत्रो, जो ये दिख रो जाओ, तुम्हारा दिख रो, मुझे जूस चाहिए। तो फिर लगन कैंसिल, नहीं जाओ कुत्रो, आओ हमारे साथ। यार हेलो। अरे अभी फाफड़े को चले भी नहीं मिली। मतलब? अरे मतलब शादी कैंसिल हो गई। तू कहाँ है? मैं और कौटिया घर के लिए निकल चुके हैं। और वासु? अरे वो फाफड़े के साथ रुका है। तुम दोनों अभी रिजॉर्ट आ जाओ। अरे लेकिन टिकट बुक जो कह रहा हूँ वो करो। मुझे लगा था ये शादी ऐसी होगी कि हमें 10 और शादियों का काम मिल जाएगा, लेकिन एक कुत्ते की वजह से आगे की 10 शादियां भी रुक गई। मैं तो शुरुआत से ही कह रही थी कि ज्यादा उधारी मत लो, पर आपको तो रोज के काम के लिए 4 बोतल वोडका चाहिए। क्या कहा था? पुदीने की चटनी, टमाटर की चटनी, नारियल, खजूर, हरी चटनी और न जाने क्या क्या, और डोसा तो भूल ही जाओ। कौन है कृतिका? बैंक से फोन आया क्या? कंगाली में आटा गीला है तो आपको क्या लगा कोई पेमेंट देने के लिए फोन करेगा? यहाँ क्या कर रही हो? सब कुछ बर्बाद हो गया अभी। मेरी जिंदगी ट्रैक्टर के नीचे रखे नींबू की तरह हो गई है। मेरे साथ आओ। असिस्टेंट, बॉस को लेकर आओ। नहीं प्लीज कृतिका। तेरे घर वाले कहाँ हैं? आधे गए आधे चले जाएंगे, तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? सत्या के साथ चला जाता। ऐसे कैसे तुझे अकेले छोड़कर चला जाऊं? पीने के लिए कोई तो साथ होना चाहिए ना। माफ कर दे यार, तुम इसे इस हालत में छोड़कर जा रहे थे? वैसे भी ऑफिस से छुट्टी लेकर आए हो ना, फाफड़े का चेहरा रसगुल्ला नहीं हो जाता तब तक कोई नहीं जाएगा। Love you, भाई, love you। लड़की नहीं शादी नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास दोस्त है, सच्चे दोस्त। अब सुन, प्लान चेंज नहीं होगा, कुछ भी हो जाए इधर जलसा करके ही जाएंगे। जितने भी दिन बचे हैं हम रोज पार्टी करेंगे। पापा चेक दे दो। पापा? जलसा करेंगे। लगता है हमारी पेमेंट मिलने वाली है। साई बहुत लकी है। क्यों, उसकी शादी नहीं हुई इसलिए? नहीं, उसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। मैंने क्या किया? तुमने उसके लिए सबको वापस बुला लिया। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? मैंने सबको वापस किसके लिए बुलाया पता है? वासु के लिए। वासु के लिए? साई का क्या है, 2 दिन अपसेट रहेगा और तीसरे दिन फिट एंड फाइन। पर वासु ऐसा नहीं है, उसे थोड़ा और वक्त लगेगा। तुम वासु का कितना ख्याल रखते हो? आखिर वो मेरा दोस्त जो है। क्या मैं ट्राई करके देखूं? क्या ट्राई करोगी? मतलब मैं बात करके देखूं? वो किसी की बात नहीं सुनेगा, और जब तक मैं उसे मना ना लूं मैं नहीं जाऊंगा। मतलब अगर तुम लोग पहले जैसे दोस्त बन गए तो यूके वापस चले जाओगे? क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अगर तुम कहोगी तो चला जाऊंगा, ना कहोगी तो रुक जाऊंगा, तुम्हारी मर्जी। हे, मजाक कर रहा था। हे मैगी। Thank you.
इट्स ओके। मणिरत्नम के फिल्म का सेट लग रहा है। अरे वासु, आज तक 49 लोगों को बियर पिला चुका हूँ और फाफड़े को बियर पिलाने के बाद मेरा हाफ सेंचुरी पूरा। अरे मैं नहीं पीता भाई। अरे हम भी बचपन में दूध ही पीते थे। नहीं नहीं, अरे लेकिन बड़ा होते ही गम भुलाने को बियर पीना पड़ता है। घे 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 घे। अगर अभी नहीं होता तो तुम लोग चले जाते ना, सच बोलो। है ऐसी बात नहीं है मित्र, सिर्फ इन दोनों ने बोला कि ऐसे टाइम पर साई को छोड़कर क्यों जा रहे हो। तो ये दोनों पक्के दोस्त हैं, पर अभी दुश्मन बन गए हैं। पिला पहली बार पी रहा ना, चढ़ गई है, थोड़ा और पिला और चुप करा। अबे ये सही तो कह रहे हैं, बात कर लेना प्लीज। अभी बात कर लेना भाई, भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, बात कर लेना। यही अपनी दोस्त है, यही अपना प्यार, बात कर लेना। हम सब लोग के लिए कर ले, कर लेना यार। ए वासु, कल सुबह कब निकलना है? बस हो गया, खुश? मुझे बात करने का मन नहीं करता, इसके सामने चुपचाप बैठकर मजा आता है मुझे। जब भी बात करने की कोशिश करता हूं ये अपना मुंह फेर लेता है, कुछ भी पूछने जाऊं तो देखा। ए तुझसे बात कर रहा हूं मैं, तूने कहा था ना दोस्त हर गलती माफ करता है, तो अब तुझे सुनना पड़ेगा। जिस तरह मेरे जाने के बाद तू मेरे आने का इंतजार करता रहा, मैं भी वहां जाने के बाद तेरे कॉल का इंतजार करता रहा। वापस ना आना मेरी जिद थी, और मुझे ना बुलाना तेरी। अरे लेकिन उसको पता नहीं था तू किधर है। जिसे पता करना है वो कहीं से भी पता कर सकता है, यही कहा था ना इसने। तुझे लगता है कि मेरे रोने से माया वापस आएगी, तो मैं भी तेरे साथ बैठकर रोता हूं। उसके चले जाने का दुख और मेरे ना आने का गम, और कितने दिन यार, पूरे 4 साल हो गए, इतना काफी नहीं है? ठीक है, सब मेरी गलती थी, सॉरी। मन नहीं भरा, आजा मार मुझे, चाहे तो डांट ले, इसका क्या सोल्यूशन है तू बता, मगर ऐसे चुप रहकर मुझे टॉर्चर मत कर। उस दिन राम्या मिलान में नहीं मिलती तो मुझे पता ही नहीं चलता यहां क्या हो रहा है। पता होता तो क्या मैं नहीं आता, इतना गिरा हुआ समझा क्या मुझे। इससे तो अच्छा मैं वहीं रह जाता, कम से कम ये उम्मीद तो रहती कि वापस आऊंगा तो दोस्त बनकर रहेंगे। यहां आकर गलती कर दी मैंने, यहाँ क्या पंगा है? रोज की नौटंकी है, ये सारे यहाँ के लोकल ड्राइवर्स हैं। ये जबरदस्ती यहाँ आने वाले टूरिस्ट को ये अपनी गाड़ी हायर करने के लिए कहते हैं। गाड़ी भी चले। मैं देखती हूँ कैसे जाने नहीं देंगे। चलो ये गाड़ी साइड में लगा, ए तू पीछे लगा, चल। ओए रास्ता क्यों बंद है? उनके मर्जी। ये रोड तेरे चाचा की है क्या? अब उनके दादा का। हम अपनी गाड़ी में ही जाएंगे। जाके तो दिखा। क्या? चल हटा इसे, हाथ मत लगा, चल निकल। अरे तू होता कौन है बोलने वाला, क्या करेगा? जाना, मैं नहीं हटूंगी। शर्म नहीं आती तुझे? लड़की को हाथ लगाता है? चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ इडियट, ये दिमाग हटा, नौकरी समझ के छोड़ दिया ला तेरे को। Hey!
मेरे दोस्त को मारता है। तुझसे मिलने के बाद रमिया ने मुझे फोन किया था, मैं जानता था तू आएगा, इसलिए मैं भी आ गया। फोन दे अपना फोन। बैलेंस कम है, किसको कर रहा है? तेरी होने वाली को है? नहीं भाई, बम फटेगा भाई, पहले ही मैं लाफा खा चुका हूँ। हेलो, अब तेरे दिल में उसके लिए जगह है तो एक बार उससे बात कर ले। हेलो सृष्टि, वो तो एक्चुअली उस दिन दिमाग खराब हो गया था, लेकिन मैं सच बोल रहा था, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। ओ, तुमने मुझे मारा लाफा तो भड़क गए मेरे मम्मी पापा और शादी कैंसिल हो गई। और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि इस बात का सबसे ज्यादा दुख तुम्हें हुआ है। हम दोनों की पहचान 2 महीने की है, पर तुम और जूस बचपन के दोस्त हो, इसके लिए सॉरी हो। ए, आई एम सो सॉरी, मुझे लाफा नहीं मारना चाहिए था। तुम्हारे पास जूस नाम का पपी है ना, मैं शरबत नाम का पपी लाऊंगा, उसके साथ सेल्फी निकालूंगा और तुम्हें सेंड करूंगा। अरे परसों तो हमारी शादी होती अगर ये लोचा नहीं होता। ठीक छे, मेरी किस्मत, टेक केयर। ए, हम लोग लगन कर ले। सु, लगन कर ले? अरे लेकिन ये फ्रेंड्स फैमिली ये कैसे करेंगे? एक बार मंगलसूत्र पहना दोगे ना तो समझो हो जाएगी शादी, फिर जिसे आना हो आए, मैं ना व्हाट्सएप पे सब विश भेज देंगे। चल छे। यस, अरे दौड़ छे। यस, अरे भाई की बैंड बजने वाली है, थैंक यू। अरे मुझे मत बोल, इसे बोल। उसके यहाँ आने का रीजन तो तुम हो। फाफड़े को जलेबी मिल गए। मीठी जलेबी। ले, आज मंगलवार है ना, मंगलवार को मंगलसूत्र है पैर। पंडित जल्दी करो यार। हाँ जल्दी करो। हो गया इसका फाफड़े का। मैं बहुत खुश हूँ। फाफड़े अब उसका डॉगी संभाल। अच्छे से संभाल। शादी बहुत बढ़िया हुई। मैं बहुत खुश हूँ वासु, मुझे लगा नहीं था हम फिर से मिलेंगे। अरे छगन भाई, लगन में तो बहुत खर्चा किया है। अच्छा वो अभी आ गया। शहर से शिफ्ट होते वक्त माया की कुछ चीजें मेरे पास थी तो सोचा लगे हाथ तुम्हें दे दूं। थैंक्स। अपना ख्याल रखना, चलती हूँ। बाय। ये बिल्कुल सही वक्त है मैडम, लोहा गरम है, हथौड़ा मार ही दो, कहीं ऐसा ना हो वो हाथ से निकल जाए। प्रपोज कर ही दो। लड़कियां थोड़ी लड़कों को प्रपोज करती हैं। अच्छा, उस दिन तो लड़की ने ही रिंग पहनाई थी ना, याद आया? वो जमाना गया जब लड़के प्रपोज किया करते थे, अब वक्त बदल चुका है और लड़कियां मॉडर्न हो चुकी हैं। ज्यादा मत सोचो। उसने ना कहा तो? मैम मैंने तो आपको पहले ही कहा था, इनकी शादी हो ना हो पर आपकी शादी जरूर होगी। जब फाफड़े ने होने वाली बीवी से थप्पड़ खाया तो मुझे लगा था कि फाफड़ा जिंदगी भर कुंवारा। हाँ समझ गया समझ गया, ज्यादा बोला। मैं अभी आता हूँ। यार ये मेघना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? अबे मुझे क्या पता, कल तो निकल रहा ना अपने को। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाय, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तुम्हारा मैसेज आ रहा।
फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम, कृतिका, यही सब मेरी दुनिया है। इन सब के अलावा कभी नहीं लगा मेरे पास कुछ और है। फर्स्ट टाइम हम जब किसी को मिलते हैं और वो अच्छा लगता है तो दोबारा मिलने का मन करता है, और हर पल उससे मिलने के बहाने ढूंढते हैं। जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे ऐसा ही लगा। अरे अभी सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वो जरूरी काम है, वासु तेरे को बुला रहा है, चलना। कोई बात नहीं, इट्स ओके। सॉरी, कल सुबह बात करेंगे। ओके ठीक है। हाय, 207 में कनेक्ट करेंगे प्लीज। थैंक्स। अभी मैं सत्या बात कर रहा हूँ। मुझे अभी से बात करनी है। अभी यहाँ नहीं है, वो चला गया। चला गया कब? यही लगभग 10 मिनट पहले। क्या हुआ मैम? वो चला गया कृतिका, लेकिन उसने तो कहा था वो सुबह आपसे बात करेगा। कहा गया है वो? देख सतीश, मुझे गुस्सा मत दिला। अरे मुझे नहीं पता, अर्जेंट कॉल आया था तो चला गया। झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। गुस्सा सिर्फ तेरे को नहीं आता है, मेरे को भी आता है। किस बात पर? किस बात पर? माया के लिए आपस में लड़ने के बाद तुमको 4 साल लग गए वापस दोस्त बनने में। अब फिर से किसी लड़की के लिए लड़ोगे तो क्या होगा? तू बोतल फेंक कर चला जाएगा और वो फ्लाइट पकड़ कर निकल जाएगा। तेरे को कैसा लगेगा नहीं पता, पर मेरे को नहीं जमेगा। इसलिए हमने अभी को बोल दिया कि तू उससे प्यार करता है। अबे किससे करता हूँ? वासु, हम जानते हैं कि तू मैगी को कितना चाहता है। कौन बोला कि मैं उसे चाहता हूँ बेवड़े? अरे तुम दोनों का कितना बनता है? बनती तो तेरे साथ भी है, तो तुझे घरवाली बना लूँ क्या? जैसे तू मेरा दोस्त है वैसे ही मेघना है। सच कहो मेघना, जब से हम आए हैं उसके बाद से लेकर आज तक तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? देख लिया, तुम अभी से प्यार करती हो ना? अरे क्या स्पीड है यार, मेरे पहुंचने से पहले ही तुम सब आ गए। वो क्या है ना, अर्जेंट काम आ गया था, जाना होगा। पता था तू जाने नहीं देगा, सोचा पहुंच के कॉल करूंगा। वो लड़का जो 6 साल की उम्र में साइकिल चलाते हुए सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ गया, उसे अपना काम मुझसे ज्यादा प्यारा होगा। ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है, मुझे सब पता है। सच बोलेगा? एक बात पूछूं, माया किससे प्यार करती थी? मेरे जिगरी दोस्त को, तुझे। पर सच क्या है मैं बताता हूं। ये डायरी किसकी है? माया की? अभी? जिसके बारे में मैं हमेशा सोचती हूँ उसी ने मुझे ये डायरी दी, इसलिए उसके बारे में लिख रही हूँ। ऐसा लगता है मेरी उम्मीदों को नए पंख मिल गए हो। अभी वो मेरी हर बात को सिंपल लेता था, इसलिए कभी कभी शक होता था कहीं वो मेरी बात को समझता भी है या नहीं। फिर मुझे पता चला
मुझे समझाना उसके लिए बहुत आसान है। पहली बार ऐसा कोई मिला जिससे अपने दिल की बात कर सकती हूँ। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने साथ ले गया। मुझे इतना कहना है कि मैं अभी को बहुत चाहती हूँ, लेकिन तभी पता चला अभी और वासु दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वासु भी मुझे चाहता है। जो बात मुझे अभी को बतानी थी वो तो मेरे दिल में ही रह गई। अगर मैं अपने सपनों को जी रही थी तो उसे मुमकिन किया सिर्फ अभी ने, इसलिए मैं उसे मिलकर अपने दिल की बात बताना चाहती थी, प्यार का इजहार करना चाहती थी। अभी माया, क्या हम मिल सकते हैं? शाह, हे, पता है मैं तुमसे मिलना चाहती थी और तुमने कॉल कर दिया। तुम जानते थे क्या? मॉम डैड ने कॉल किया था, कॉन्सर्ट वीडियो देखकर कहा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू माया, थैंक यू सो मच। अभी एक्चुअली जिस दिन तुम दोनों ने मुझे प्रपोज किया था मैं उसी दिन बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर वासु भी मुझसे इतना प्यार करता है, ये जब मुझे पता चला तो उसे ना बोलकर उसका दिल दुखाना मुझे ठीक नहीं लगा। मगर जितनी देर हो रही है वासु की उम्मीद उतनी ही बढ़ती जा रही है, अगर अब मैं उसे मना करूं तो उसके दिल को और सदमा लगेगा। क्या मैंने गलती कर दी अभी उस दिन चुप रहकर? तुम वासु को मुझसे अच्छी तरह जानते हो, अब तुम ही उससे बात करो। वासु बहुत सेंसिटिव है माया, इमोशनल टाइप का है। हम दोनों में एक ही फर्क है, अगर मुझे कोई चीज नहीं मिलती तो मैं उसे भुलाकर आगे बढ़ता हूं, पर वो वहीं रुक जाता है। जब उसने तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने सोचा मैं उससे झूठ नहीं कहूंगा, सच बता दूंगा, पर मैं ये नहीं जानता था वो तुम्हारे बारे में इतना सीरियस है। गलती तुम्हारी नहीं है माया, मेरी है। उसकी खुशी पर आंच आए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अब ये जानते हुए कि तुम ही उसकी खुशी हो, हम दोनों, ये मुझसे नहीं होगा माया। तुम हाँ कहो या ना कहो, मेरा फ्यूचर चाहे जो भी हो, मैंने कहा था यू विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, पर वो सोचता है तुम ही उसका फ्यूचर हो। माया, जैसे मैं उसे समझता हूँ, जैसे तुम मुझे समझती हो, कोई और नहीं समझ पाएगा। अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं इस रिलेशनशिप को भूल जाऊं और अपनी जिंदगी जीऊं, है ना? तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? तो तुमने डिसाइड कर लिया ना? तो यही कहने के लिए तुमने मुझे बुलाया था? माया, वासु एक अच्छा इंसान। प्लीज, वासु अच्छा इंसान है, वो सबका ख्याल रखता है, जो भी उसे शादी करेगी वो बहुत लकी होगी, ये मैं जानती हूँ। पर एक बात बताऊं, ये सब जानने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। अगर हम हमारे बारे में जरा सोचेंगे क्या तब भी तुम्हारा फैसला नहीं बदलेगा? जब कोई लड़की किसी से प्यार करती है तो वो उसके लिए सबसे लड़ सकती है, मगर जब प्यार करने वाला ही ठुकरा दे तो उससे बहस करना ही बेकार है। जैसा लोगों ने चाहा हमेशा मैंने वैसा ही किया। तुमने कहा था मुझे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, मगर आज से तुम्हारे हिसाब से जीनी पड़ेगी। अच्छी बात है, अभी लेकिन एक बात सच है, मैं तुम्हें इतना चाहती हूं कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें भी छोड़ सकती हूं। तुमने कहा था ना जो तुमसे प्यार करे वो तुम्हारे लिए रोए, है ना? थैंक्स अभी। वो मेरा दोस्त है माया। क्या वो अपने प्यार से भी बढ़कर है? बचपन में कोई पूछता माँ पापा में ज्यादा कौन पसंद है तो मैं सोचकर कहता कि माँ पसंद है। अब जो तुमने पूछा उसके लिए मुझे सोचना भी नहीं पड़ा।
वासु से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। आज के बाद तुम एक दोस्त की तरह सिंपल रह सकते हो, मगर जब तक तुम मेरी आंखों के सामने रहोगे तो मेरे लिए दोस्त की तरह सिंपल रहना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। वासु के लिए उसने मुझे छोड़ दिया, मगर वासु ने मुझे समझा। अभी के जाने के बाद कुछ दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। उसके बाद वासु का प्यार, उसकी सिंसियरिटी, उसके केयरिंग ने मेरे दर्द को भुला दिया। दोनों फैमिलीज बहुत खुश हैं। एक महीने में शादी भी होने वाली है। अब सब कुछ ठीक है, मगर एक सवाल हर पल मुझे परेशान करता रहेगा। मैं अभी को पसंद करती थी, क्या ये बात मुझे वासु को बतानी चाहिए या नहीं? बचपन से लेकर आज तक तूने दोस्ती निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्यों बे, तू क्या बहुत बड़ा देवता है जो हर बार कुर्बानी देकर दोस्ती निभाएगा? अरे कभी मुझे भी तो मौका दे। माया की डायरी में मेरी जगह सिर्फ आखिरी दो लाइनों में थी, और तू फिर से चाहता है कि मैं किसी लड़की की जिंदगी में बस आखिरी दो लाइनें बनकर रह जाऊं? तुझे एहसास भी है तू क्या कर रहा है? तेरे लिए जितना भी करूं कम ही लगता है, लेकिन गलत नहीं। अगले जन्म में फिर से मेरा दोस्त बनना, ये जन्म काफी नहीं है। सत्या ने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। मैं इसे पसंद नहीं करता, उल्टा ये तुझे पसंद करती है। किसने कहा मैं पसंद करती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी मैं उसके बारे में क्यों सोचूं जो मुझे अकेला छोड़ के जा रहा था। क्या यार, ये क्या बोल रही हो? पहले आंखों में आंखें डालना, फिर रिंग पहनाना, मिलान जाने से रोकना, वो सब क्या था? चार बोतल का असर। तुम भी शुरू हो गए वासु।